ताजा मामला बदायूं शहर के कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर का है, जहां बीती रात कलयुगी पिता ने अपनी धर्मपत्नी प्रीति को बेरहमी से जमकर पीटा और धर्मपत्नी के विरोध करने पर अपनी धर्मपत्नी को तेजाब पिला दिया। सूत्रों की माने तो प्रीति का पति शराब के नशे में धुत होकर अपनी धर्मपत्नी को जमकर पीटने लगा। जब पत्नी ने इसका विरोध किया तो उसको जबरदस्ती तेजाब पिला दिया और मौके से फरार हो गया। बाद में पत्नी किसी तरह थाना सिविल लाइन पहुंची, जहां पर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। मौके पर पीड़िता के परिवार वाले भी पहुंच गए हैं। पीड़िता की मां ने पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। पीड़िता का पति अभी भी फरार है। क्या घटना हुई आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ में घटना हुई थी। उनके मन ने फोन किया तो बताई कि ऐसे से मामा ने मारा है, तेजाब पिलाया है। फिर बेटी हमारी घर से बाहर चली गई थाने से खबर, थाने वालों ने लाके यहाँ भर्ती किया। तो हमें 4 बजे खबर मिली तो हम आए, अभी देख रहा हूँ बेटी को। महिला आई है, क्या मामला है उसका? हाँ, गांधी नगर से आई है, पुलिस वाले उसे लेके आए थे और उसके परिवार वालों को कहना था कि उसे तेजाब पिलाया गया है, लेकिन उसकी हालत ठीक है और वो अभी इमरजेंसी वार्ड में।